तो हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं कि यूट्यूब पर कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं बिगिनर यूट्यूबर, जो नया यूट्यूबर होते हैं। गाइस, अभी देख रहे हैं कि यूट्यूब पर जो बहुत ही कंपटीशन चल रहा है, तो यूट्यूब बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है गाइस, तो उसमें बहुत जो है कंपटीशन चल रहा है, जो बहुत सारे जो यूट्यूबर भी आते जा रहे हैं, नए नए क्रिएटर जुड़ते जा रहे हैं। तो YouTube पर हर प्रकार का टेक्निकल वाला देखोगे तो टेक वाला बहुत ही चैनल चल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर कॉमेडी अच्छे करते हो तो कॉमेडी भी वीडियो बना सकते हो गाइस। अगर ब्लॉग, तो ब्लॉग तो कई प्रकार का होता है, मोटो ब्लॉगिंग होता है, ट्रेवलिंग ब्लॉगिंग, ट्रेवल करके, और ऐसी लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी होता है जो मैं बनाता हूँ गाइस। मैं तो पूरा विलेज से ही जो लाइफ स्टाइल ब्लॉग ही बनाता हूँ। तो ब्लॉग भी कई प्रकार का होता है, अगर बढ़िया कॉमेडी करने जानते हो तो कॉमेडी भी अच्छा खासा चलेगा। और बहुत सारे जो चैनल है, जो हर प्रकार का यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। सिंगिंग वाला अगर देख सकते हो, पूरा का पूरा जो सिंगिंग है बहुत ही अच्छा भी चल रहा है सिंगिंग जो है। और डांस वगैरह बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएगा, हर प्रकार के यूट्यूब पर मिल जाएगा गाइस। तो यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बस मेहनत लगता है गाइस कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते जाओ, पर डे वीडियो डालो, हमें डेली का डेली जो है कुछ ना कुछ कंटेंट बनाते रहिए। अगर कंटेंट अच्छा अच्छा बना रहे हो तो ज़रूर फेमस होंगे, फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए, जो पब्लिक को अच्छे 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 वीडियोस दिखाइए, ऑलरेडी आप धीरे धीरे जो है फेमस हो जाओगे, सब्सक्राइबर भी मिल जाएगा, व्यू भी अच्छा खासा मिलेगा। प्लस शुरुआत में तो बहुत ही जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम जो है कंप्लीट करना रहता है, तभी मोनेटाइजेशन होता है आपका चैनल, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइबर, एक 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम बहुत ज़रूरी है गाइस। तो सब्सक्राइबर अगर अच्छा अच्छा कंटेंट ला रहे हो तो ज़रूर बहुत जल्दी जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो है मोनेटाइजेशन भी हो जाएगा। तो इसे YouTube बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी शुरुआत में जो है पार्ट टाइम लो, अगर धीरे धीरे चैनल जो है ग्रो होगा तो अच्छा खासा चलने लगेगा। अगर चैनल खोल ले या कुछ वीडियो है अपलोड नहीं कर, हफ्ते दो हफ्ते में वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो रेगुलर जो है वीडियो अपलोड करते रहिए, तो वीडियो डालने का जो है कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, तभी जो है YouTube आपका चलेगा, नहीं तो पूरा हो जाएगा सोहा, तभी YouTube पर जो है सक्सेसफुल पा सकते हो गाइस। शुरुआती में अक्सर सभी जो यूट्यूबर के साथ ऐसा होता है, बहुत डीमोटिवेट होते हैं अगर उनका चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं मिल रहा है, ना व्यूज़ नहीं आ रहा है, ना कुछ नहीं आ रहा है। तो शुरुआती में बहुत जो है नए यूट्यूबर क्रिएटर होते हैं, बहुत डीमोटिवेट होते हैं। तो मैं भी कभी कभी वीडियो देखता रहता हूँ तो खुद मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, कि वीडियो रेगुलर अपलोड करना रहता है थोड़ा मुश्किल जाता है, क्या कंटेंट, कैसा कंटेंट बनाऊँ, कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो बहुत जो है डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से है जो यूट्यूब पर आ रहे हो, मतलब आने की सोच रहे हो, तो बहुत सारे जो उसमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आज। तो गाइस, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस थोड़ा सा YouTube के रिलेटेड कुल मैं वीडियो बना दिया, बस ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ मैं, लाइफ स्टाइल ब्लॉग वीडियो। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ यार।